हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप किस तरीके से अपने गूगल क्रोम की ब्राउजिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। सो गाइस, ये प्रॉब्लम जो है वो अक्सर लोगों को आती है कि उनके पीसी का जो गूगल क्रोम है या एंड्रॉयड का जो गूगल क्रोम है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, उसके ऊपर ब्राउजिंग की स्पीड नहीं आ रही है, डाउनलोडिंग की स्पीड नहीं आ रही या डाउनलोडिंग बीच में स्टक हो जाती है। सो गाइस, उसी का सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में लेके आया हूँ। काफी ज्यादा सिंपल से स्टेप है, आप ये पीसी पर भी कर सकते हैं और अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं एंड्रॉयड मोबाइल पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल ही यूज करते हैं और ये वाली प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स ही फेस करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपना क्रोम ब्राउजर जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल थ्री डॉट्स पर चले जाना है एंड आपने सेटिंग्स पर चले जाना है। सो गाइस, सेटिंग्स में आने के बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद आपने चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। सो गाइस, यहां पर आपने आने के बाद आपने फिर से स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहां पर आपने यूज सिक्योर DNS पर जाना है एंड यहां पर आपने क्लिक कर देना है चूज अनदर प्रोवाइडर पर। अब आपने क्या करना है, कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपने क्लाउड फ्लेयर वाला DNS सेट कर लेना है। सो गाइस, उसके बाद आपने बैक आ जाना है। सो गाइस, गूगल क्रोम के मेन इंटरफेस पर आने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको एक URL दूंगा, आपने क्या करना है सिंपल उसको कॉपी कर लेना है एंड आपने यहां पेस्ट कर देना है। सो गाइस, आपने सिंपल जो है वो कॉपी करने के बाद यहां पर सर्च में इसको पेस्ट कर देना है इस URL को और आपने सिंपल इसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल सर्च पर जाना है एंड यहाँ पर आपने सर्च करना है पैरेलल डाउनलोडिंग। सो गाइस, पैरेलल डाउनलोडिंग सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पैरेलल डाउनलोडिंग का एक फ्लैग देखने को मिल गया। आपने क्या करना है, सिंपल इसको एनेबल कर देना है। सो गाइस, सिंपल से ये दो स्टेप्स थे। ये करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा और आपकी ब्राउजिंग स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। सो गाइस, अगर ये वर्क करे तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।